हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग ये अपना टारगेट नीट जेईई 2021। ठीक है, ये जो बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, इसमें जो हमारा मेन टारगेट है, मेन फोकस है, वो जेईई और नीट का एग्ज़ाम 2021 है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर हमारा हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जेई के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें स्टूडेंट आपको बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम के अंदर फिज़िक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और आप ये समझिए कि बिना फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लाए ना आपका सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, ना आपका जेई में सिलेक्शन हो सकता है। तो दोनों के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए फिज़िक्स एक इम्पॉर्टेंट की का काम करने वाला है बच्चों। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्टूडेंट कि फिज़िक्स सही मायने में एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उसे अगर ध्यान से समझकर चला जाए तो। अभी तक 11th 12th क्लास के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते थे कि भैया डेरिवेशन हमारे सामने आई, डेरिवेशन की चार बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, उसके ऊपर फॉर्मूला आया, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल, बात ख़त्म। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को जो ज़्यादा फोकस करना है, हमें ना तो थ्योरी लिखने के ऊपर फोकस करना है, ना थ्योरी पढ़ने के ऊपर फोकस करना है, हमें फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, यानी हमारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों नीट और जेई एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर हम लोग कहाँ से तैयारी करें, रुड़की से तैयारी करें, चंडीगढ़ से करें, दिल्ली से करें या कोटा से करें। मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, देखो भाई ऐसा है, चंडीगढ़, दिल्ली या कोटा के अंदर कोई इंजेक्शन आप लोगों को नहीं लगाया जाएगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे वही वो लोग पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने में और उनके पढ़ाने में डिफरेंस मात्र इतना है कि वहाँ एक क्लास के अंदर 300 से 400 बच्चे होते हैं, हमारी एक क्लास के अंदर 40 से 50 बच्चे होते हैं। ठीक है, वहाँ एक टीचर 400 बच्चों को हैंडल करता है, यहाँ एक टीचर 40 बच्चों को हैंडल करता है। यहाँ आप अपने डाउट पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं टीचर से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप अपने क्लियर कर सकते हैं, वहाँ आप अपने डाउट पूछने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, या डाउट के लिए डाउट काउंटर पर जाना होगा। देखिए डाउट में सबसे अच्छी बात क्या होती है, डाउट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है अगर वही अपने अकॉर्डिंग आपके डाउट ले तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं। ठीक है, मैं कोई कोटा कोचिंग की ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये सिस्टम उनका अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। जो बच्चे कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ भागते हैं ना रुड़की से, वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जैसी फैकल्टी ही वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाती है। ठीक है, ओके, सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग 1 वीक, 1 हफ्ता क्लास के अंदर बिल्कुल जमकर जैसा मैं कहूँ वैसा आप लोग पढ़ें, फिर आप मुझे बताइएगा कि कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं। इस बात के लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ स्टूडेंट, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप फिज़िक्स को पढ़कर चलेंगे ना, फिज़िक्स में नीट या जेई के अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है, एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग बना देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन की आवश्यकता है बच्चों। जैसा हम लोग आपको बताएं वैसा आप लोगों को करना ही पड़ेगा, वैसा आप लोगों को करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा सिस्टम आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। 1 जून से आपकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 15 जून तक, यानी 15 जून तक आप लोगों की रेगुलर बेसिस पर क्लास होंगी और आपको DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। आफ्टर 15 जून, 15 जून के बाद में आपको आपका एक शेड्यूल दे दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन क्लास हमारी 15 जून के बाद भी कंटिन्यू रहती हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, और अगर 15 के बाद में हमारी क्लासेस ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाती है, वाजी वाह, फिर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, फिर तो हमारा अपना यूनिक सिस्टम है इंस्टीट्यूट के ऊपर पढ़ाने का, उसे हम फॉलो करेंगे। अगर 15 के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास ही रहती है, फिर हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यदि
फर्स्ट जून से लेकर 15 जून तक हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है। तो इस ऑनलाइन 15 दिन की क्लास के दौरान क्या रहने वाला है मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट। इन 15 दिन के अंदर रोज़ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे मॉर्निंग 7 o'clock, 7 बजे या 8 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाया करेंगे बच्चों। वीडियोज़ में जाकर आप अपने रोज़ के लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, आपको अपने लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। लेक्चर्स को देखने के बाद में अपने पास में रिलेवेंट सब्जेक्ट की एक कॉपी रखनी है। उस कॉपी के अंदर आपको अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट, अपनी लैंग्वेज में, देखिए टारगेट लेवल पर मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में नोट्स लिख रहे हैं बच्चों, टारगेट लेवल पर मैटर करता है कि जो नोट्स आप लिख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको अपनी कॉपी किसी से चेक नहीं करानी है, आपको अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि आप उन्हें बाद में जब आप उन्हें पढ़ें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो जैसे जैसे हम लोग लेक्चर पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स आपको अपनी कॉपी के अंदर बच्चों लिखते जाने हैं, ठीक है। कहीं कोई पॉइंट आएगा उसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहे। मैं स्टार्टिंग के 15 दिन का शेड्यूल आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों। आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, ओके, लेक्चर्स के साथ साथ हम यहां से आपका जो चैट ग्रुप है स्टूडेंट, आपके एप्लीकेशन पर एक चैट ग्रुप है जैसे व्हाट्सएप चैट ग्रुप होता है, उस चैट ग्रुप पर आपको रेगुलर बेसिस पर DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी बच्चों, जहां पर आप लोगों को जो DPPs दी जाएंगी वो सॉल्व करनी है स्टूडेंट, ठीक है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद में वहीं के वहीं अपने डाउट क्लियर करने हैं कि भैया मान लीजिए कि वहाँ चैट ग्रुप में आपको 10 क्वेश्चन की एक DPP दी गई है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 8 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, जो 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं ना उनका स्क्रीन शॉट लेकर वहीं के वहीं सेंड कर दीजिए और टीचर को मेंशन कर दीजिए कि सर ये हमारा डाउट है। विद इन 20 या 25 मिनट्स आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखिए बच्चों आप लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन है और हमारी जितने भी क्लासेज हैं वो घर से ही चल रही हैं, तो स्टार्टिंग के 15 डेज में हमारी क्लास और DPP का सिस्टम रहने वाला है। 15 दिन के बाद में आपको आपका स्टडी मटेरियल जो हमारा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, आपको आपकी माइनर टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जो आपकी वीकली टेस्ट सीरीज होने वाली है वो, ठीक है, आपको आपकी बैग्स, टी शर्ट या जो भी और अदर इक्विपमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाते हैं वो सब आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे स्टूडेंट, और आपको पूरा यूनिक पैटर्न बता दिया जाएगा कि भाई टारगेट की क्लास हमारी इस तरीके से चलने वाली है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितना मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ाऊँ वो डेली के डेली आपको बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर होना चाहिए तभी आप अच्छे से कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट, हम अपना टारगेट अभी तय कर लेते हैं कि भैया हमारा टारगेट क्या है। देखिए नीट के अंदर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, तो भैया ऐसा है कि हमारा टारगेट अभी 35 क्वेश्चन का है, धीरे धीरे हम अपना टारगेट इंक्रीज़ करेंगे और 40-42 तक हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेट है नीट एग्ज़ाम के अंदर वो 35 क्वेश्चन है आउट ऑफ 45, और JEE के अंदर मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एडवांस की बात होगी जब आप मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आफ्टर जनवरी, ठीक है। हमारा मेंस के अंदर जो टारगेट है स्टूडेंट वो 25 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन का टारगेट है, 18 क्वेश्चन का टारगेट है आउट ऑफ 25, ठीक है, ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट को हमें कुछ भी करके बच्चों कुछ भी करके अचीव करना है, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी लाइफ का गोल है भैया। आप 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 इन नीट एग्ज़ाम, 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 इन JEE एग्ज़ाम। स्टार्टिंग के 15 दिन का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास चलेंगी, वीडियो लेक्चर्स आपके पास में पहुंचेंगे और आपको DPPs दी जाएगी, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और DPPs को सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। चलिए तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बच्चा अपना आज का लेक्चर, और ये हमारा 11th फिजिक्स, हम 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11th फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट, देखिए 11th फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है बच्चों उसका नाम है यूनिट मेजरमेंट और एरर। यूनिट मेजरमेंट और एरर अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 11th फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है
यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में नाम है यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड एरर, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है बच्चों हमारा, और ये समझिए कि इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिनिमम 1 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चों कि एडवांस के एग्जाम में 4-4, 5-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत हम लोगों को नहीं करना है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट और एरर। छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ बच्चों आपको, कुछ बच्चे हमारे पास में हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो भैया आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको आपका स्टडी मटेरियल हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मैं साथ साथ आपको जो मैं पढ़ाकर चलूँगा वो हिंदी में ही पढ़ाकर चलूँगा, यानी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहेगी लेकिन जो हम लोगों का लेक्चर फ्लो रहेगा वो मिक्स रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में ना आपको सब इंग्लिश में ही पढ़ना है। चलिए यूनिट मेजरमेंट एरर देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आता है इसका नाम है स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर हिंदी में इसे बोलते हैं सार्थक अंक, सार्थक अंक, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर, देखो मैं ये समझ के चलूंगा कि अभी तक आप लोगों ने, मान लो कि 11th 12th आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, आप सीधा टारगेट में पहुंच गए तैयारी करने के लिए, मैं ये मानकर चलूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बेसिक लेवल से उठकर ऊपर लेवल तक की बात करेंगे बिल्कुल। सो स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली है क्या, देखो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा नंबर कितना एक्यूरेट है, यानी नंबर की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ बच्चों, मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। समझते हैं बच्चों इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मार्जिन बनाकर, याद रखिएगा नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि कई सारे नंबर आपको दे दिए, आपने हर एक नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बता दिए कि भाई इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 5 हैं, आपसे पूछा कि 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया जिस नंबर में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, यानी जो एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बात, सिग्निफिकेंट फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, जिसके अंदर जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो बच्चों अब बारी आती है इस बात की कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे कैसे, क्या तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का, तो हम कहेंगे कि भाई कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं जिनका यूज़ करके हम सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल सकते हैं। आइए उन रूल्स की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आइए अब हम बात करते हैं रूल्स की बच्चों, हमारे पास में आता है रूल नंबर 1, बहुत शानदार रूल है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि रूल नंबर 1 हमारे पास में है क्या। ऑल नॉन जीरो डिजिट All non-zero digit are significant. करिए नोट डाउन फटाफट।
सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 हमारे पास में आपके सामने है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जो नंबर जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चाहे किसी नंबर में डेसिमल हो या ना हो, जो नंबर जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। मैं आपको तीन एग्जाम्पल देता हूं इसके ऊपर। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, 235412, मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा। आप इस नंबर को देखकर ये कहोगे कि भाई ना तो ये जीरो है, ना 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 ये जीरो है, इनमें से तो कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी नंबर जीरो नहीं है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास में वो 6 है। बच्चों, रूल नंबर 1 मैंने आपको कहा ना कि जो नंबर जीरो नहीं है, जो नंबर नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। आपके सामने है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, इनमें से कोई जीरो नहीं है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो कुल मिलाकर इस नंबर में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये है, 2.14512। देखो डेसिमल है, कोई बात नहीं, डेसिमल है तो उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये जीरो नहीं है, ये भी 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 जीरो नहीं है, तो भैया इसमें भी कुल मिलाकर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों, रूल नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑल नॉन जीरो, ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसे नहीं समझ पा रहे हैं, नॉन जीरो का मतलब है कि जो नंबर जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। समझ आ रही होगी बात, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपनी कॉपी में अगर आप चाहेंगे तो बॉक्स में मार्जिन बनाकर लिख लीजिएगा कि भैया जो नंबर जीरो नहीं है, चाहे डेसिमल पॉइंट हो या डेसिमल पॉइंट, अभी मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस नंबर की जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों। ये हो गया है हमारा रूल नंबर 1 स्टूडेंट। अब बच्चों आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पर। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, लिखते हैं ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास में, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। देखो रूल नंबर 1 में हमने बात किसकी की, रूल नंबर 1 में हमने बात की कि जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि डेसिमल हो या ना हो, ये दोनों के दोनों रूल के अंदर ना कंडीशन ये काम कर रही है, विद और विदाउट डेसिमल, दोनों रूल के अंदर चाहे डेसिमल हो या ना हो कोई मैटर नहीं है। अब आप देखो, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे कि देखो यार रूल नंबर 1 ये कहता है ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। रूल नंबर 1 के मुताबिक 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये जो दोनों जीरोज हैं ये 1 के और 1 के बीच में आ रही हैं, नंबर्स के बीच में जीरो आ रही हैं, आ रही ना नंबर्स के बीच में जीरो, जो जीरोज नंबर के बीच में आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, तो ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। ये दोनों जीरो भी 1 के और 2 के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 and 4, 8, इस नंबर में कुल मिलाकर 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों हमारे पास में, इस नंबर में 8 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 2.10010021, भाई ये बना, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हो या डेसिमल पॉइंट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है।
क्या कहता है हमारा रूल, जरा देखो हमारा रूल ये कहता है स्टूडेंट, जरा ध्यान से, सबसे पहले रूल नंबर वन अप्लाई करते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, 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 ये जीरो इन दोनों के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरो एक के और दो के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरोस एक के और एक के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो मैं कहूँगा कि सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तीन और तीन छः और चार दस। स्टूडेंट इस नंबर में हमारे पास में 10 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों, 10 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 400.1001। बताइए जरा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर। हम कहेंगे कि यार बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ भी तो नहीं करना है भाई, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तीन सिग्निफिकेंट तो ये हो गए। ये दोनों जीरो फोर के और एक के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जीरोज एक के और एक के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है, चार सिग्निफिकेंट ये, तीन सिग्निफिकेंट ये, कुल मिलाकर हमारे पास में हो जाते हैं 7 सिग्निफिकेंट फिगर। सो स्टूडेंट अभी तक हमारे पास में सिर्फ दो रूल हैं बच्चों। रूल नंबर वन, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो नंबर जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर वन से हम लोगों ने ये बात सीखी है बच्चों। रूल नंबर दो से हमने सीखा है कि जितनी भी जीरोज, जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आती हैं, यानी जो जीरोज दो नंबर के बीच में आती हैं वो भी देखो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ बच्चों आपको, जैसे कि ये दोनों जीरो हैं, एक के और दो के बीच में आ रही हैं, तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगी। तो जितनी भी जीरोस दो नंबर के बीच में आएगी, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, कोई फर्क नहीं होता है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो ये हमारे दो रूल हो चुके हैं बच्चों। उम्मीद है कि मुझे आपको अच्छे से बात समझ आई होगी। दो रूल की कहानी खत्म। ओके चलिए अब आगे हम बात करते हैं। नोट डाउन आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए आगे की कंडीशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास में है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर तीन पर बच्चों, देखते हैं कि रूल नंबर तीन क्या है स्टूडेंट। रूल नंबर तीन ये है, विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज, विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, तो आपके सामने एक वर्ड लिया गया है ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब है पीछे की जीरोज, लास्ट वाली जीरोज। इसका सीधा सा मतलब है लास्ट वाली जीरोज, नंबर के पीछे की जो जीरोज होती है ना, लास्ट वाली जो जीरोज होती है, उन्हें ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं। तो पॉइंट ये है बच्चों कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरो हमें काउंट नहीं करनी है। देखो जैसे 2001000, मैंने ये लिखा, पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई इसमें तीन रूल लगेंगे। रूल नंबर वन लगेगा, रूल नंबर टू लगेगा, रूल नंबर थ्री लगेगा। सबसे पहले रूल नंबर थ्री लगाते हैं। रूल नंबर थ्री के लिए ये चेक करो कि डेसिमल है या नहीं है। आप कहोगे कि डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरो आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल जो लास्ट की जीरोज है वो आपको नहीं लेनी है। नहीं ली ना, डेसिमल नहीं था, लास्ट वाली जीरोज हम लोगों ने नहीं ली। अगर लास्ट वाली जीरोज हम लोगों ने नहीं ली तो हमारे पास में क्या बचा, एक और एक, दो सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरोज इन दोनों के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में स्टूडेंट हमारे पास में हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास में
चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बड़ा शानदार रूल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाली जो जीरोज़ है उन्हें हम ट्रेलिंग जीरोज़ का नाम देते हैं, लास्ट वाली जीरोज़ उन्हें हमें काउंट ही नहीं करना है। देखो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1200 1000 100, ये है भाई हमारे पास में। आपसे पूछा कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम देखते ही ये कहोगे कि भाई सबसे पहले चेक कर लो, सबसे पहले यहाँ ये चेक करिए स्टूडेंट कि यहाँ डेसिमल है या नहीं है। मैं कहूँगा डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरोज़ को काउंट नहीं करना है हम लोगों को, पीछे की जीरोज़ को काउंट नहीं करना है। नहीं क्या पीछे की जीरोज़ को काउंट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 हो गए चार, ये दोनों जीरो इसके और इसके बीच में आ रही है, ये तीनों जीरोस वन के और वन के बीच में आ रही है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, इस नंबर में 9 सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट, इस नंबर में 9 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 9 सिग्निफिकेंट फिगर, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 5300 ये आया, पूछा कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे भाई सबसे पहले ये चेक करो कि डेसिमल है या नहीं है, एक एक रूल रटा हुआ होना चाहिए, एक एक रूल रटा हुआ होना चाहिए, डेसिमल है या नहीं है। तुम कहोगे कि सर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरोज़ को काउंट नहीं करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बचे, हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचे। तो स्टूडेंट ये हमारा है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 ये कहता है, ध्यान रखेगा आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल, कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट नहीं करनी है बच्चों, बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए एक बड़ा शानदार पॉइंट मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन केस है। क्या है एक्सेप्शन केस, जरा देखिए, रूल नंबर थ्री एक्सेप्शन कंडीशन। वीडियो को पॉज करके ना नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सभी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 एक्सेप्शन कंडीशन ये है स्टूडेंट, जरा समझिएगा, मैंने लिखा 2300 किलोग्राम, मैंने पूछा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो बात समझने वाली है, बहुत शानदार, 2300 किलोग्राम, मैंने कहा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो अगर किसी नंबर के पीछे यूनिट मैंने लगा दी है, यूनिट किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर मैंने कुछ भी लगा दिया, यूनिट मैंने अगर उसके पीछे लगा दी है, फिर पीछे की जीरो हमें काउंट करनी है। थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, लेकिन कन्फ्यूजन ना बिल्कुल क्लियर रखना है बच्चों। नंबर 1 रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2 रूल, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के पीछे की जीरोज को काउंट नहीं करना है। और यहाँ क्या है, अगर यूनिट लगा दी है, दिस इज यूनिट स्टूडेंट, ये यूनिट है किलोग्राम, आप जानते हो कि ये यूनिट है, अगर यूनिट लगा दी गई है फिर इन जीरोज को काउंट करना है। मैं लिख देता हूँ, फिर इन जीरोज को काउंट करना है बच्चों, इन केस ऑफ यूनिट, इन केस ऑफ यूनिट, इन केस ऑफ यूनिट, ये पीछे की जीरोज को हमें काउंट करना है बच्चों। तो 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर, उम्मीद है समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 4600 1000 मीटर, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने कहा देखो यार मीटर लगा दिया ना मीटर, तो पीछे की जीरोज काउंट होंगी, हो गए पीछे की जीरोज काउंट, 1 2 3, ये दोनों जीरो इसके और इसके बीच में आ रही है, ठीक है, 5 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, कुल मिलाकर 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों हमारे पास में। तो ये स्टूडेंट हमारे 3 रूल हो गए हैं, और एक रूल का एक्सेप्शन केस हो गया है कि अगर आपने पीछे यूनिट लगा रखी है बच्चों, उस केस में आपको पीछे की जीरोज़ को काउंट करना है। 3 कंडीशंस हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, अब जितनी कंडीशंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उनके ऊपर हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग अच्छे से अपना नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर।
ओके स्टूडेंट, चलिए सो अभी हम आगे बात करते हैं और देखते हैं कि आगे की कंडीशन क्या है। तीन रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रूल नंबर 4 पर आते हैं स्टूडेंट। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है विद डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर काउंट एज सिग्निफिकेंट। ओके स्टूडेंट, पॉइंट मेरे पास में ये है कि विद डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल है कहीं भी हो, चाहे वो आगे हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो पीछे हो, नो मैटर, तो उस कंडीशन में पीछे की जीरो हमें काउंट करनी है। मुझे लगता है कि 2-3 एग्जांपल से ही तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा ये 2300, फिर मैंने लिखा 2300 किलोग्राम, फिर मैंने लिखा 23.00, फिर मैंने लिखा 2300.00, 4600.000, 2600.00, 1300.10, ओके 4600.00, 1000। उम्मीद है कि इनसे आपको समझ आएगी बात कि भाई ये रूल क्या कह रहा है। देखो बच्चों, डेसिमल तो नहीं है, क्या डेसिमल है पहले वाले में? नहीं है। यूनिट है? नहीं है। तो पीछे की जीरो काउंट नहीं करनी है, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, अब यहाँ आइए, डेसिमल है? नहीं है, लेकिन यूनिट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल है? है, सब कुछ काउंट करना है, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। डेसिमल है? हाँ है, 2, 2 4 और 2 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल है? बिल्कुल है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल है? बिल्कुल है, सो 1 2 3 4, ये दोनों जीरो क्यों काउंट किए? क्योंकि ये 6 के और 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, फिर 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट। अब यहाँ आते हैं, देखो डेसिमल स्टार्टिंग में है ना डेसिमल, अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरो काउंट करनी है। ओके, सो 3 4 और 3 7 और 8 और 1 9, 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि ये आया हमारे पास में 4600 किलोग्राम, डेसिमल भी आ गया, यूनिट भी आ गई, डबल चढ़ावा हो गया भैया, ये तो डेसिमल भी आ गया, किलोग्राम भी आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो करो, डेसिमल है, पीछे की जीरोस काउंट करनी है, तो कितने हो गए? 3 and 2 5, इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन आती है 2.63 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा 10 की जो पावर है ना, वो आपको कभी काउंट नहीं करनी है, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो या यूनिट ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 10 की पावर कभी काउंट नहीं करनी है। तो इस नंबर में हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एवोगैड्रो नंबर आप सब जानते हैं, मैंने लिखा 6.02 × 10³⁔, 6.023 कुछ भी बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 10 की पावर आपको कभी काउंट नहीं करनी है, इस नंबर को देखकर हम कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ रही है बच्चों बात? मैंने लिखा 4.600 × 10⁻¹⁸ किलोग्राम, तो भाई आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि भैया 10 की पावर आपको कभी काउंट नहीं करनी है, 3 and 4 and 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट गिवन दिया गया है आप लोगों को, उस कंडीशन में आपको पीछे की जीरोज काउंट करनी है भैया, और अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, और वीडियो को पॉज करके आप क्लियर भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा 23.00, ये भी 23 है, ये भी 23 है, मैंने लिखा 23, दो ही लिखे सिर्फ, ये दो ही लिखते हैं। आपसे पूछा कि बताओ कौन सा नंबर ज़्यादा एक्यूरेट है, देखो इसमें डेसिमल तो नहीं है, तो आप कहोगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल है तो ये भी काउंट होंगे, 1 2 3 4,
इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कौन सा नंबर ज़्यादा एक्यूरेट है? ऊपर वाला नंबर ज़्यादा एक्यूरेट है, नीचे वाला नंबर कम एक्यूरेट है? तो ये कहानी स्टूडेंट हमारे सामने रहने वाली है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने की। भैया तो मैंने चार रूल आप लोगों को बताए हैं बच्चों अभी तक, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। जितना काम आप लोगों को बताया गया है ईमानदारी से ये पूरा काम आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चार रूल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको ये चार रूल समझ आ गए हैं तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको मुझे बनाकर बताने हैं कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1, दूसरा है 2400 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 654.00100, चौथा है किलोग्राम, और पांचवा है ये। इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे थोड़ा ध्यान से करिएगा बच्चों। चलो एक और दे देता हूँ, ये भी लिख लीजिए 2300100 meter, ये भी बताना है इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इनके सबके रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी एक रूल बचा हुआ है और एक छोटा सा एक्सेप्शन केस बचा हुआ है और फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर के एप्लीकेशन की बात करेंगे। अब देखो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है सबसे पहले जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया उसे ध्यान से अपनी नोटबुक के अंदर लिखें, नोट्स बनाकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, अब मैंने लिख दी अपनी लैंग्वेज यहाँ पर, लेकिन आप लोग अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर लिखें, भरपूर एग्जाम्पल लिखें। जो मैंने कराए हैं वो तो लिखने ही हैं, अपनी तरफ से भी 2-4 एग्जाम्पल डाल दें, ठीक है। तीसरी बात, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे चैट ग्रुप पर, जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर भेजेंगे तो बेहतर रहेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना होमवर्क इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर किसी रूल में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उस रूल को दोबारा से समझें और उसे क्लियर करें। अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, जैसे बताया वैसे ही आप लोगों को काम करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास।